गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रिंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। इससे पहले वीडियो में हमने यूजीसी एनसीईआरटी पढ़ा था, जिसे हमने डिटेल में पढ़ा और वन लाइनर क्वेश्चंस को किया। आज हमारा टॉपिक होगा डाइट और ल्यूपा, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डाइट यानी कि DIET, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में लिखा जाता है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। इसकी शुरुआत 1987-88 में हुई थी। डाइट की तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 1986 में प्राथमिक शिक्षा का विकास करना और प्राथमिक शिक्षा के शिक्षण के ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए डाइट की स्थापना की गई थी। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि डाइट की स्थापना क्यों की गई थी, जो प्राथमिक शिक्षा का विकास करना और प्राथमिक शिक्षा के शिक्षा के ट्रेनिंग के लिए इसका स्थापना किया गया था। अब हम बात करें उसके उद्देश्य की, यानी डाइट के उद्देश्य क्या है। तो डाइट का उद्देश्य है एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क, ये इसका उद्देश्य है। अगर हम डाइट को देखते हैं तो ये देखा जाता है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल वाले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, इन सभी चीजों की जानकारी डाइट को रखना होता है और ये इसका मेन उद्देश्य होता है। डाइट हर बार कोई ना कोई प्रयोग करता रहता है और किस तरह से बच्चों को और अच्छी तरह शिक्षा दी जा सके, इसके लिए भी डाइट नए नए आइडियाज टेक्नोलॉजीज लेके आते रहता है। डाइट के अंतर्गत अवरोधन और अपव्यय की भी बात आई थी, जो बच्चे छोड़ देते स्कूल उनको फिर से लेके आना और जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं उनको प्रमोट करने की बात भी डाइट के अंतर्गत आई थी। इसमें हम आजकल हम देख रहे हैं जो लॉकडाउन की वजह से स्मार्ट क्लासेस चली है वो भी होने लगी है, पर लेकिन अभी भी स्कूल में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो इन क्लासेस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने का कार्य भी डाइट ही करती है। यानी कि ऐसे टीचर्स को ट्रेनिंग देना डाइट का ही एक कार्य होता है। इसके बाद से बात करें हम डाइट के संगठन की, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो इसमें एक होता है प्रधानाचार्य, एक होता है उप प्रधानाचार्य, एक पुस्तकालय अध्यक्ष, दो वरिष्ठ लिपिक, पांच कनिष्ठ लिपिक, पांच वरिष्ठ विख्याता, एक तकनीशियन, 13 विख्याता और एक लेखाकार होते हैं। ये संगठन में आते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से बात करते हैं हम डाइट के विभाग की, यानी कौन कौन से विभाग डाइट के अंतर्गत आते हैं। डाइट के विभाग की बात करें तो पहला आपका है PSTE, यानी प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इस विभाग के अंतर्गत प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि जिन टीचर्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई होती है यह विभाग उनकी ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। दूसरा आपका है IFIC, यानी इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इस विभाग के अंतर्गत जिन टीचर्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रदान करने का कार्य ये विभाग करता है। इसके बाद से आपका विभाग में आता है DRU, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। इसके अंतर्गत नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, जिला संदर्भ इकाई यानी कि डिस्ट्रिक्ट रेफरेंस यूनिट, कोई भी जानकारी समझानी या पहुंचानी होती है तो ये सब इस विभाग के अंडर में आता है। इसके बाद से आपका है PNM, यानी कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसका काम होता है कि अच्छी तरह से प्लानिंग और मैनेजमेंट करना। अगर सरकार द्वारा कोई भी नई एजुकेशन पॉलिसी या प्लानिंग बनाई गई है तो उन सभी को लागू करना इस विभाग के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है विभाग ET, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगर सरकार की तरफ से कोई भी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन आता है तो इस विभाग का कार्य होता है इसको समझना और कार्य को आगे बढ़ाना, और उन सभी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सभी शिक्षक और शिक्षण संस्थानों को अच्छे से समझाना इस विभाग का कार्य होता है। लास्ट आपका होता है CMDE, यानी करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स हैं उन सभी में सिलेबस स्टडी मटेरियल प्रदान करने का कार्य भी इसी डाइट का ही होता है, ये इस विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा विभाग देखा हमने कि कौन कौन से विभाग है, PSTE, IFIC, DRU, PNM, ET और CMDE। तो ये हमारे विभाग है, कौन कौन से विभाग में कौन कौन सा कार्य होता है। तो ये हमारा था पूरा डाइट। इसके बाद से हम बात करें लास्ट आपका जो टॉपिक है ल्यूपा। ल्यूपा बहुत बड़ा नहीं है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ल्यूपा का फुल फॉर्म क्या है, यानी NUEPA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से आप समझ सकते हैं कि योजना और प्रशासन के बारे में बात कर रहा है।
इसका हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। ये एक दक्षिण एशिया का प्रमुख संस्थान है जो शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध जो शोध कार्य होते हैं, जो रिसर्च वर्क होते हैं, उसको संलग्न करना। इसके बाद से ये भारत सरकार ने इसे अगस्त 2006 में मानक का दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद से जो अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनके समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित है, यानी कि ये भी हमारा वित्त पोषित ही संस्थान है। उसके बाद से इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और 1965 में इसे एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया था। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो 1979 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और न्यूपा बना दिया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हम देख रहे हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने डाइट पढ़ा और न्यूपा पढ़ा। अब हम इन सब के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइट से क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा डाइट का फुल फॉर्म। तो डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1987-88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डाइट की स्थापना क्यों की गई, तो इसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा का विकास करना और प्राथमिक शिक्षा के शिक्षण के ट्रेनिंग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डाइट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क। इसके बाद से हम बात करते हैं कि डाइट का कौन कौन सा कार्य होता है, तो इसमें है स्कूल में कितने बच्चे हैं, एडमिशन कितने हो रहे हैं, बच्चों ने एग्जाम कितने दिए हैं, कितने उन्होंने दिए हैं, और स्कूल वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, ये उद्देश्य डाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइट से है कि डाइट के संगठन में कौन कौन शामिल है, तो इसमें एक है एक प्रधानाचार्य, एक उप प्रधानाचार्य, एक पुस्तकालय अध्यक्ष, दो वरिष्ठ लिपिक, पांच कनिष्ठ लिपिक, पांच वरिष्ठ विख्याता, एक तकनीशियन, 13 विख्याता और एक लेखाकार। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि डाइट के विभाग में कौन कौन से आते हैं, तो पहला आपका PSTE यानी कि प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन एंड टेक ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपका IFIC यानी इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड एंड इंटरेक्शन इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आपका है DRU यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। नेक्स्ट आपका P&M यानी कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है ET यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और लास्ट आपका CMDE यानी कि करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो ये आपका पूरा डाइट से कुछ क्वेश्चंस है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल जो होते हैं उन सभी में डाइट क्या काम करता है, यानी कि इसका कौन कौन सा कार्य है, तो इसका आंसर होगा कि जितने भी स्कूल्स हैं यानी डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स हैं उन सभी में सिलेबस बनाना, स्टडी मटेरियल प्रदान करना डाइट का ही काम है। इसके बाद से लास्ट आपका न्यूपा है। न्यूपा का कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन कि न्यूपा का फुल फॉर्म, तो न्यूपा का फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसका प्रमुख संगठन है, दक्षिण एशिया का यह प्रमुख संगठन है, यह न्यूपा दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है। इस संगठन का क्या कार्य है, इसका कार्य है शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता का विकास करना और शोध कार्य में संलग्न करना। तो ये न्यूपा का कार्य है। उसके बाद से अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार ने इसे कब मानक का दर्जा दिया, तो इसका आंसर है अगस्त 2006। उसके बाद से बात करेंगे इसकी स्थापना कब की गई, 1962 में। 1965 में इसे एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया था और 1979 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया और न्यूपा बना दिया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपका पूरा डाइट और आपका न्यूपा। तो इन सब से हमने संबंधित थ्योरी पढ़ी और कुछ क्वेश्चंस को किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें आपका अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपका कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9452161001 पे, जिसमें कोशिश करूंगी कि आपका आंसर मैं दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।